एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल कंबाइंड सीएस द एक्सटेस्टेड। आज का इस वीडियो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फेलियर्स। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पे सक्सेस स्टोरीज बताई जा रही हैं, जहां पे ये बताया जा रहा है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, जेआरएफ क्वालिफाई किया या आपने गेट क्वालिफाई किया, सो एंड सो आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, देन वॉट नेक्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू फॉलो। किसी भी चैनल पे ये नहीं बताया जाता कि सपोज अगर आप फेल हो गए देन आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है। डियर फ्रेंड्स, तो लेट मी टेल यू, मैं अपनी स्टोरी की अगर आप बात बोलूं तो देयर वाज अ टाइम जब मुझे भी सेट नेट के बारे में नॉलेज नहीं थी, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज किसी ने मुझे नहीं बताया कि सो एंड सो थिंग्स है। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कि मुझे नेट निकालना है, तो आई ऑल्सो फाउंड सो मेनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया। मेरा भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ, जो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम आई हैव क्रैक नेट विद जेआर, नहीं हुआ मेरा क्लियर। तो नहीं हुआ क्लियर इट मीन्स व्हाट, कि क्या उस बंदे में कैपेबिलिटी नहीं थी, या आप ऐसा मान के चलो कि क्या था प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो चलिए आज हम इन सब टॉपिक पे एक जनरल डिस्कशन करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि जो भी आपके फेलियर्स हैं आपको उससे लर्न करना है, कुछ सीखना है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने फेलियर से सीखा है। मैंने ये सीखा कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, आपकी पूरी तैयारी है, बट दैट डे जिस दिन आपका एग्जामिनेशन से अगर वो दिन आपका नहीं है तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इट मीन्स व्हाट कि हो सकता है आपने पूरे साल तैयारी करी हो गेट की, पर आप एग्जाम के एक दिन पहले आपके फैमिलीज में कुछ इश्यू हो गए या आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करोगे, आप हार जाओगे अपनी लाइफ से। तो ऐसा नहीं करना है। आपके जो भी फेलियर्स हैं उसका सो एंड सो कुछ भी रीजन हो सकता है, तो उसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मत समझे। पहला मेरा पॉइंट ये है, आपको ईच एंड एवरी फेलियर से सीखना है। जिस तरीके से एवरी नाइट के बाद एवरी मॉर्निंग आता है और आपके लिए बहुत अच्छा दिन होता है, तो आपको ये समझना है कि अगर इस बार मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ देन इट माइट बी पॉसिबल कि मेरे लिए कुछ अच्छा और होने वाला है। तो आप ऐसे पॉजिटिविटी जब आपके अंदर आएगी तो ऑब्वियस ही बात है एग्जाम इज व्हाट अ स्मॉल लेवल। आप ये समझिए फेलियर का ये मतलब नहीं होता है कि आपका एग्जाम नहीं क्वालिफाई हुआ। आप ऐसा मान के चलिए कि आपको सुबह उठना था 8 बजे, अलार्म लगाया आपने 8 बजे, आप उठ रहे 9 बजे, तो दिस इज अगेन अ फेलियर। आप सपोज आप जॉब इंटरव्यू भी ले गए, आप जॉब में नहीं सेलेक्ट हुए, आप नेट ही क्वालिफाई कर लिए बट अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है देन इट्स अगेन अ फेलियर। तो फेलियर जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रूप में आता है। तो आप एक छोटा सा एग्जाम को लेकर डीमोटिवेट मत फील होइए, बिकॉज एग्जामिनेशंस का भी डेट नहीं आ रहा है। तो मैं तो हमेशा अपने वीडियो में ये बोलती हूँ कि आपको कुछ नया इनिशिएटिव करना चाहिए, एवरी टाइम आप कुछ नया लर्न करिए, कुछ नया सीखिए, सो दैट कि आपका जो क्रिएटिव माइंड है उससे आप बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हो। हो सकता है बिकॉज मैंने COVID-19 को अपने लिए एक बोन लिया, मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने अपना यूट्यूब चैनल लिया स्टार्ट किया एंड आई फील मोटिवेटेड। मुझे अगर किसी की क्वेरीज आती है तो मुझे उनके वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आता है। इट हार्डली मैटर्स कि आप कितनी बार फेलियर हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। कोई जितने आप ये सोचते हो ना कि अरे वो पास कर गया मैं नहीं पास किया, उसको 90% आया मुझे 60% आया, देन व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है डियर फ्रेंड्स, अपने फेलियर से आप सीख लीजिए। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी जो अगर आप अपनी रियल लाइफ में अगर आप उससे थोड़ी भी इन्फ्लुएंस हो सके तो आपका वो बहुत ही अच्छा होगा। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपने ईच एंड एवरी फेलियर से ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज द रीजन, मैं किस वजह से फेल हुआ। क्योंकि जब तक आप फेल होने का एग्जैक्ट रीजन नहीं फाइंड कर पाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आप फिर से मेहनत करें और फिर से फेल हो जाए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्टेप। सेकंड थिंग इज आप अपने फेलियर से भागो मत, उसको एक्सेप्ट करो। हाँ मैं एग्जाम नहीं क्वालिफाई किया, देन व्हाट, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा। आपके पास इतना पॉजिटिव, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम करेंगे। आपको ओवरकम करना है अपने फेलियर्स को, ठीक है, उसको लेके
अपने आप को नहीं कोसना है कि मेरा नहीं एग्जाम क्लियर हुआ तो मैं एक महीने डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मैंने बुक्स को यहाँ रख दिया वहां रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू एक्सेप्ट जो भी चैलेंजेस है लाइफ के। सी, एग्जाम इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ। आप एग्जाम दोगे, कल आपकी फैमिली ग्रो होगी, आपके सराउंडिंग्स में लोग बढ़ेंगे, तो आप एग्जाम इज नॉट द रियल सिचुएशन कि हाँ एग्जाम नहीं क्लियर हुआ तो आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। नो, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। तो आपको अपने फेलियर्स को समझना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करिए, उसको ओवरकम करने की कोशिश करिए। एंड जब भी आप डीमोटिवेट फील करते हो तो बेस्ट थिंग इज कि आप किसी से डिस्कस करिए। अगर कोई आपके आसपास नहीं है डियर फ्रेंड्स, तो आप एक डायरी उठाइए, आप उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखना शुरू करिए। बिकॉज जब तक आप उस गिल्ट को अपने से बाहर नहीं निकालेंगे तो आप अंदर ही अंदर दबते चले जाएंगे। एंड फिर मैं ये भी बोलना चाहूंगी एट द लास्ट कि आपको सीखना है, आपको एवरी टाइम लर्निंग फेज में जाना है। बिकॉज आप एक चाइल्ड हो, अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर कोई एक चाइल्ड हो, एडल्ट हो, टीनेजर हो, कोई भी हो, लर्निंग इज द फेज जिसमें आपके कई सारे इमोशंस निकल कर बाहर आते हैं, आप नई नई चीज देखते हो। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी टास्क को करने में यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। और जिस दिन आप अपने आप से क्वेश्चन ये करने लगे व्हाट नेक्स्ट आई हैव टू डू, क्या नया हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, मतलब आपको हर चीज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और बस मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी डियर फ्रेंड्स कि सक्सेस इज द अनदर थिंग। सबके पास सक्सेस का प्लान होता है कि आफ्टर सक्सेस मैं पार्टी करूंगा, मैं IIT ज्वाइन करूंगा, मैं सो एंड सो करूंगा, बट कोई अपने फेलियर्स को नहीं डिस्कस करता है। तो आई वॉज अ फेलियर, मैंने भी फर्स्ट टाइम में नेट क्लियर नहीं किया, बट मैंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है, किस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस तरीके से हैविंग अ फेलियर आपको अपने आप में फील गुड करना है, कॉन्फिडेंट होना है। तो बस एक छोटी सी बात है कि आप अपने लाइफ में फेलियर को ऐसा समझिए कि इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक बंदा कभी ना कभी फेलियर होता है, और जो फेलियर होता है उसको ही रियल में समझ में आता है कि सक्सेस का क्या है, सक्सेस क्या है, और सिर्फ उनको ही समझ में आता है। विद दीज वर्ड्स बस मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि हो सकता है कि मेरे जो भी मैंने आज ये टॉपिक डिस्कस किया आपको कहीं ना कहीं आपके दिल को छुए और आप मोटिवेटेड फील करें। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।